हेलो बच्चों बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे वेव वेव के फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, वेव एंड इट्स मोशन। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले वेव फंक्शन। कोई भी वेव फंक्शन मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एक वेव को रिप्रेजेंट करता हो, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? ये कहाँ जा रहा है भाई? इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसको फॉलो करना होता है कंडीशन। इस पे क्वेश्चन बन जाता है, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देगा और पूछेगा कि क्या ये वेव हो सकती है नहीं। तो जो सबसे इजी तरीका है पहले चेक करने का, वो चेक कर लो कि एक्स माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो, और टाइम की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी रखो, वाई क्या आना चाहिए? फाइनाइट। दूसरी जो जरूरी कंडीशन है वो है डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर वी स्क्वायर डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ वेव कह सकते हो, और आप कह सकते हो कोफिशियंट ऑफ टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, यहाँ माइनस का ध्यान रखना है। तो ये कोई भी वेव फंक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जो ज़्यादातर हम पढ़ते हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो, साइनोसोडल एक्सप्रेशन से। ये क्या होते हैं साइनोसोडल? साइन और कोस का कॉमन नेम होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और अगर कोस भी लिखा जा सकता है, ए कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ए क्या है यहाँ? एम्पलीट्यूड। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ए एम्पलीट्यूड है दोनों जगह, के वेव नंबर है, के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, लैम्डा होती है वेव लेंथ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टू पाई न्यू, न्यू या एफ लिख सकते हो आप, और ये टू पाई बाय टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पाई क्या होता है? इनिशियल फेज और इपॉक, इपॉक बोलते हैं ना इसको, इपॉक। ठीक है, इपॉक, और ये मैंने इसको वाई के टर्म में लिखा है। ठीक है, वाई और इसमें क्या अंतर होता है? जैसे एक ट्रेवलिंग वेव है, मैंने एक पल्स तैयार करी ऐसे, तो ये टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ थी, तो एक्स भी जीरो था, लेकिन अब ये पल्स पहुँच चुकी है यहाँ। ठीक है, स्ट्रिंग वेव है मान लो, तो यहाँ से शुरू करा मान लो जर्नी, तो एक्स ये है, किसी पॉइंट पे हम पहुँचे, तो देखो ये डिस्टेंस होती है, ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे ऐसे, तो वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। ठीक है, वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। देखो ये एक्स, ठीक है, रिवाइज हो रहा है सही से। अब आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है? जैसे पहले लिखा था, माइनस कोफिशियंट ऑफ टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आ जाएगा वी इक्वल टू ओमेगा बाय के। ठीक है, तो वी इक्वल टू ओमेगा बाय के, डायरेक्शन आप खुद चेक करेंगे, और इसे वी को अगर मैं 2 पाई न्यू और 2 पाई बाय लैम्डा लिख दूं, तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा, एक फॉर्मूला ही बन जाता है। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला आता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे सिंपल में तरीके से बताऊँ, ये पाथ डिफरेंस हुआ डेल्टा एक्स, एक्स वन माइनस एक्स टू, इनके बीच में फेज डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है और डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। तो ये मैंने वेव को लिखा। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट वेव के फॉर्मूले साथ साथ लिखते हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। मान लो ये रस्सी ऐसे और इस पर लोड लगा रखा है। ठीक है, तो टेंशन, अगर आपने एक पल्स बनाई ऐसे, तो वो पल्स जो चलेगी
उसकी स्पीड ये है, ठीक है, टी टेंशन है और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, कुछ किताब में से लैम्डा भी लिख लेते हैं, यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड होती है किसी मीडियम में इलास्टिसिटी अपॉन उसकी डेंसिटी, ई क्या होता है, इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑफ मीडियम, और रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की इलास्टिसिटी कैसे रिप्रेजेंट होती है, यंग मॉडुलस से, तो वी इक्वल टू हो जाएगा वाई बाय रो, ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट, अगर गैसेस में कहें तो गैसेस में क्या होगा, वी इक्वल टू ई की जगह आ जाएगा बल्क मॉडुलस, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर अपॉन रो, मतलब गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर होता है। और पी बाय रो को हम जानते हैं क्या होता है, आर टी बाय एम, तो वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगी यहाँ से साउंड वेव गामा आर टी बाय एम, ठीक है, ये साउंड की स्पीड है, साउंड वेव की। अच्छा, साउंड का जो वेव फंक्शन होता है उसको देखो, अगर मान लो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो अगर साउंड को तीन तरीके से लिखा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, सॉरी प्रेशर ऑफ मीडियम, तो प्रेशर ऑफ मीडियम होगा पी इक्वल टू पी नोट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ ध्यान देना, देखो ये फंक्शन साइन है, मैंने यहाँ कॉस लिखा है, मतलब जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है, तो एक साइन है दूसरा कॉस, तो एक जब मैक्सिमम होता है तो दूसरा मिनिमम। बिल्कुल ऐसी डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखना कि ये एम्पलीट्यूड, ये पीक वैल्यू ऑफ प्रेशर, ये डेंसिटी ऑफ प्रेशर, इनमें कोई रिलेशन है, तो देखो पी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के, बी इज बल्क मॉडुलस, ठीक है, और ए एम्पलीट्यूड और के वही वेव नंबर या प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट। और डेंसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, पीक प्रेशर पीक डेंसिटी, ये ठीक है, पी रो नॉट इक्वल टू पी नॉट बाय वी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हमने लिखा, अब आते हैं हम एवरेज पावर, एवरेज पावर ऑफ अ वेव ये होता है बच्चों हाफ रो वी एस इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ रो वी एस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। और वी होगा वेलोसिटी ऑफ वेव, रो डेंसिटी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड, एस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हाफ रो, थोड़ा साफ सा लिखते हैं, रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है, यूनिट क्या होगी इसकी, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये सब वेव के लिए, चाहे स्ट्रिंग की वेव हो चाहे जैसी भी, लेकिन साउंड की इंटेंसिटी को डेसिबल लेवल पे मेजर किया जाता है, आता रहता है न्यूमेरिकल डेसिबल लेवल, तो डेसिबल लेवल पे कैसे लिखा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, आई इक्वल टू 10 लॉग आई बाय आई नॉट बेस ई, ठीक है, आई नॉट फिक्स वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये फिक्स वैल्यू है, और ये मिनिमम साउंड है विच कैन बी हियर बाय अ नॉर्मल ऑब्जर्व ह्यूमन बींग कह सकते हो आप, मतलब ह्यूमन बींग
मिनिमम जितनी साउंड को ऑब्जर्व कर सकता है वो ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं ये वैल्यू। और बीटा लेवल पे दो साउंड की डिफरेंस अगर पता करना हो इंटेंसिटी का, तो आई वन बाय आई टू, ठीक है। तो ये था, अब देखो ये आगे बढ़ते हैं, ये इंटेंसिटी हो गई। अब देखो बच्चों, अब स्टैंडिंग वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव शुरू होता है। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव में इंटरफेरेंस के तो सारे फॉर्मूले वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो। स्टैंडिंग वेव के पता करते हैं, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, जैसे ये स्ट्रिंग वेव है, इसकी नॉर्मल वाइब्रेशन ये होती है, ये क्या हुआ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, नोड, ये भी नोड है और ये एंटी नोड, ठीक है। दूसरी से दूसरे नेक्स्ट जो ऑसिलेशन होता है वो ये पॉसिबल है, ठीक है, नोड, ये नोड, ये भी नोड, ये एंटी नोड्स, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे नीचे तक बन सकते हैं। इनका फॉर्मूला होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का, एन बाय टू एल अंडर रूट टी बाय म्यू, ठीक है, सुन मैं बात, एन बाय टू एल इंटू टी बाय म्यू। एन होगा जैसे एन नंबर ऑफ वेव, एन इक्वल टू एल लेंथ है रस्सी की ये वाली, ठीक है, टी टेंशन है, म्यू वही मास पर यूनिट लेंथ है। एन इक्वल टू वन को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इतना सिंपल साउंड, मान लो कोई गिटार रखा है आपने, जाके उसमें रस्सी को, स्ट्रिंग को डिस्प्लेस कर दिया, टिंग जैसी साउंड आती है, जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और दूसरा इसका नाम होता है फर्स्ट हार्मोनिक। और एन इक्वल टू टू पे फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं इसको, एन इक्वल टू टू को बोलते हैं फंडामेंटल, नहीं फर्स्ट ओवर टोन, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवर टोन, और इसको सेकंड हार्मोनिक। अच्छा बताना, एन इक्वल टू थ्री को क्या बोलेंगे, सेकंड ओवर टोन, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, इस तरीके से। अब ऑर्गन पाइप, ओपन एंडेड एंडेड ऑर्गन पाइप, ये कैसा होता है बच्चों, ऐसे ओपन एंडेड का मतलब दोनों नोड पे, इसके ऐसे दोनों एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, बीच में नोड, डिस्प्लेसमेंट का प्रेशर का उल्टा होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू एल, एल लेंथ है ऑर्गन पाइप की, और अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड लेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला एन का रूल क्या है, सेम वही जो यहाँ है, बिल्कुल सेम रूल है, ठीक है, ये ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप है। अब इसके बाद क्लोज एंडेड ऑर्गन पाइप, क्लोज एंडेड क्लोज एंडेड क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है कि एक एंड से क्लोज है, ठीक है, इधर से बंद है। तो साउंड का देखो, रिजिड एंड पे या फिक्स एंड पे एंड नोड बनता है हमेशा, रूल है, और ओपन एंड पे एंटी नोड, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन टू एन प्लस वन, थोड़ा एक्चुअली उसमें कई हर किताब का अलग तरीका है, तो टू एन माइनस वन अपॉन फोर एल इंटू गामा आर टी बाय एम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अब एन का लिखना सिखाऊंगा। यही साथ में एक केस और होता है कि एक रोड है, उसको दीवार में क्लैंप कर दिया ऐसे, उसको वाइब्रेट करना शुरू करो, जैसे स्टील का स्केल होता है, उसको ऐसे बनाएगा ना, ये सबसे फंडामेंटल मोड। अगला मोड कैसे बनाएगा, ये
ऐसे भी तो वाइब्रेट कर सकता है ये। तो ये याद रखना, ऑर्गेन पाइप और एक रोड अगर दीवार में फिक्स कर दें तो उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होगा, एफ इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1 अपॉन 4l इंटू जो भी स्पीड दे रखी होगी आपको, ठीक है, इस केस में स्पीड दे देगा। फॉर्मूला सेम है ना, देखो दोनों के फॉर्मूले सेम है ना। तो ये रट लो ऐसे कि ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप और वाइब्रेटरी स्ट्रिंग एक जैसे फॉर्मूले होते हैं, और क्लोज एंडेड और एक रोड को क्लैंप कर दें तो उसके फॉर्मूले एक जैसे होते हैं। रूल, अगर एन इक्वल टू वन है तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, और दूसरा नाम है इसका फर्स्ट हार्मोनिक, और एक और क्या नाम हो सकता है, फंडामेंटल टोन। लेकिन n इक्वल टू टू जब रखोगे तो ये बोला जाएगा फर्स्ट ओवर टोन, और यहां सेकंड हार्मोनिक नहीं बोलेंगे। क्या गलती कर रहे हैं देखो, ये थर्ड n इक्वल टू रख के ना थर्ड हार्मोनिक लिखा जाएगा, यही याद रखने वाली बात है, ठीक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट एन इक्वल टू थ्री पे क्या आएगा, सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। मतलब इसमें केवल ओड हार्मोनिक होते हैं, इवन हार्मोनिक नहीं होते इन दो केस में, ठीक है। तो इसलिए क्लोज एंडेड ऑर्गन पाइप की साउंड ज़्यादा मधुर होती है, अच्छी साउंड होती है, क्लोज एंडेड की उतनी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। चलो फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ये होता है ना एयर रेजोनेंस कॉलम मेथड, कॉलम मेथड, तो इसका फॉर्मूला होता है एल वन प्लस ई इक्वल टू लैम्डा बाई फोर, एल टू प्लस ई इक्वल टू 3 लैम्डा बाई फोर। तो जो स्पीड आएगी वो आएगी 2f L2 माइनस L1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। अब डॉपलर इफेक्ट, लास्ट पॉइंट, डॉपलर इफेक्ट, जैसे एक सोर्स है ये और ये एक ऑब्जर्वर है, ये स्पीड वी नोट से, ओ वी एस सोर्स की स्पीड है, ठीक है, और वी स्पीड ऑफ साउंड है। ये क्या हुआ, स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, और वी नोट, वी नोट ऑब्जर्वर की स्पीड है, ठीक है। तो इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की वो है एफ नोट, तो इसको कितनी सुनाई देगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एफ नॉट वी माइनस वी नॉट वी माइनस वी एस, ठीक है। और इस डायग्राम में सोर्स जो है, सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है और ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगर मीडियम भी आ जाता है तो फॉर्मूला हो जाता है वी प्लस माइनस मीडियम माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एम माइनस वी एस, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। प्लस कब लेना है, जब साउंड को हेल्प कर रहा हो मीडियम, ठीक है, और जब साउंड को अपोज कर रहा है तो माइनस। अगर लाइट का डॉपलर इफेक्ट देखा जाए तो एफ डैश, एफ जनरली ये वेव ऑप्टिक्स में होता है, लेकिन मैंने यही बता रहा हूँ, वी वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ठीक है, या कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे आप। और ये तब है जब वेलोसिटी इनके बीच में सेप, ओ, ढूंढना पड़ेगा यार इसको, तो ये रहा, जब सेपरेशन जो है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में वो डिक्रीज कर रही हो, ठीक है। कितनी बेकार राइटिंग है यार ये,
सेपरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर सेपरेशन इंक्रीज कर रही है, अगर सेपरेशन इंक्रीज कर रही है तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डैश, और ये रूट है भाई, वन माइनस वी बाय सी अपॉन वन प्लस वी बाय सी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये था वेव का रिवीजन फॉर्मूले का। अब ट्वेल्थ के टॉपिक शुरू हो जाएंगे, तो सारी वीडियो देखो आप खाली टाइम में, जब भी आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हो तो ये आपको हेल्प कर रही है या नहीं ये बताना। और मान लो बस यही है कि रिवाइज करो इन सब फॉर्मूलों को।